राजस्थान विधानसभा चुनाव का 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाला है। इससे पहले हम जानने पहुंचे हैं हवा महल विधानसभा की इस बार किस पार्टी की हवा पूरे राजस्थान में बह रही है। यही कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार वो मुख्यमंत्री और किसकी सरकार, किस पार्टी को सरकार के रूप में देखना चाहते हैं। कुछ हमारे साथ आप देख सकते हैं कि ये हवा महल है जो सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था। यहीं पे हम कुछ जो हमारे साथ हैं इन्हीं से बात करना चाहेंगे। तो इस बार आप युवा हैं, काफ़ी मुद्दे रहे, बेरोजगारी जैसे, महिला अत्याचार, इस बार मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं आप? सर, राजस्थान से तो मुख्यमंत्री के रूप में हम बालकनाथ जी को देखना चाहेंगे। क्यों मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे को क्यों नहीं? वसुंधरा राजे ने अपने टाइम पे मतलब सही नहीं चला, उनका जो भी कार्यकाल रहा है, जो उनके जितने भी कार्य यहाँ पे रहे हैं, तो उनसे हम लोग मतलब बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के कुछ काफ़ी कार्यकर्ता और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस रिपीट कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार रिपीट कर रही है कांग्रेस? बिल्कुल नहीं होगा, एक तरफा बीजेपी की जीत रहेगी यहाँ पे। चलो आइए तो कुछ और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या सर आप बता सकते हैं कि इस बार किसकी? कुछ नहीं बता सकते, क्या आप नहीं बता सकते? क्या सर इस बार आप बता सकते हैं कि किस पार्टी की राजस्थान में सरकार आ रही है? कांग्रेस की आनी चाहिए। वैसे तो काम बहुत अच्छा किया है गरीबों के लिए, राशन से लेके मोबाइल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज, हर चीज़ का कांग्रेस पूरा ध्यान रखती है। और बीजेपी को देखा जाए तो वो तो डायरेक्ट हिंदू मुसलमान में फ़र्क करती है, बस और कुछ नहीं है। पिछले बार से देखा है कि मेरा नाम यूसुफ खान है, मैं अपने दोस्त ऋषि प्रताप सिंह के साथ, मोहित के साथ, मेरे क्लासमेट्स हैं उनके साथ मैं दिए जलाया करता था दिवाली पे। अब ऐसा माहौल कर दिया है कि बीजेपी ने, ना तो वो अब हमारे यहाँ पे आते हैं, ना हम लोग उनके यहाँ पे जा पाते हैं साथ मिलके दिवाली। तो आप कांग्रेस पार्टी यदि सरकार आती है तो मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? अशोक गहलोत जी को। क्यों सचिन पायलट जी को क्यों नहीं? अशोक गहलोत जी जैसा काम करते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। तो आप एक युवा हैं तो क्यों नहीं युवाओं को मौका दिया जाए, युवाओं को आगे लाया जाए, ऐसा कुछ नहीं? अशोक गहलोत जी जिस पोजीशन पे हैं वो बेस्ट हैं, उनके जैसा कोई नहीं कर सकता। तो ये थे कुछ युवाओं के विचार, हम और भी जानने का प्रयास करेंगे अलग अलग लोगों से यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हल्की हल्की राजस्थान में गुलाबी ठंड बढ़ गई है, तो लोग यहाँ पकौड़ियों का लुत्फ भी उठा रहे हैं। तो हम इन्हीं से जानते हैं कि सर इस बार सरकार के रूप में किसे देखना चाहते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? जी कोई भी है, काम अच्छा होना चाहिए, हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई भी है, सरकार काम होना चाहिए बस। आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत या कुछ और? मैं कैसे बता सकता हूँ भैया, कोई भी है अभी। आप एक युवा हैं और काफी पसंद भी करते हैं, अपनी अपनी पसंद होती है, बराबर की टक्कर चल रही है अभी, कोई भी आ सकता है किसी का, कोई राजनीति के अंदर हमारे को पता नहीं कौन आएगा कौन जाएगा। आप यहाँ पकौड़ी की दुकान लगाते हैं, आपकी दुकान पे अक्सर चर्चा होती है, गुलाबी ठंड के साथ में लोग पकौड़ियाँ का लुत्फ उठाते हैं यहाँ पे, तो आप कुछ बता सकते हैं कि लोगों का रुझान क्या कह रहा है? वो अपनी अपनी सब भावनाएं, कोई कहता है कि बीजेपी आएगी, कोई कहता है कांग्रेस आएगी, कोई कहता है क्या आएगा, कोई पता नहीं है, अलग अलग चेहरे, अलग अलग बातें, कोई कहता है कांग्रेस आएगी, कोई कहता है बीजेपी आएगी। तो पीछे हमारे साथ कुछ कचोरी वाले भैया, एक भैया भी हैं, मैं इन्हीं भैया से पूछना चाहेंगे, चलो भैया आप इस बार राजस्थान में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? इस बार मुद्दे भी बहुत रहे युवाओं को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, ऐसा इस बार किसे सरकार के रूप में आप देखना चाह रहे हैं? हाँ जी, कांग्रेस आएगी, अशोक गहलोत जी एक बार फिर से। क्यों सचिन पायलट क्यों नहीं, वो तो एक युवा हैं। वो उनकी पार्टी का निर्णय है, जो भी मुख्यमंत्री बनाए वो तो। वैसे कांग्रेस ने अच्छे काम किए पूरे राजस्थान में देखे जाए तो। यदि सीटों की बात की जाए तो ऑल ओवर 199 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, तो लगभग कितनी सीटों पर कांग्रेस आ रही है राजस्थान में, आप बता सकते हैं कुछ? करीबन 110 सीट। तो ये थे कुछ युवाओं के विचार, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस बार राजस्थान में महिला सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी मुद्दे हैवी रहे, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो हमारे साथ कुछ ऑटो ड्राइवर्स और कुछ कामगार लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानना चाहते हैं इस बार राजस्थान में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? सर बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं हम। कांग्रेस की क्यों नहीं? सर कांग्रेस में वैसे कुछ काम ही नहीं होता है जो सर्टिफाइड हो, बीजेपी में जो भी देखा है हर काम बढ़िया हुआ है। कांग्रेस ने तो इस बार 7 गारंटी भी दी है। सब कागजों में जाती है गारंटी सर।
इस बार राजस्थान में मुख्यमंत्री बीजेपी सरकार आती है तो किसे देखना चाहेंगे? वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे, हाँ जी। कोई और क्यों नहीं? सर, पहली पसंद है अपनी वो जी। अब बताइए, राजस्थान में इस बार किसकी सरकार आ रही है? ये बीजेपी। तो कांग्रेस की क्यों नहीं? यार, अगर काम का आलंकन किया जाए तो जितना उसने करना था ना वो किया नहीं है। और कैसे कैसे काम जो आप चाह रहे थे वो रह गए, कुछ बता पाएंगे आप? कुछ क्या है कि जैसे आज उन्होंने राहत दी है, हैं, तो जिनके राशन कार्ड ऑलरेडी पहले चालू हैं उनको राहत दे रहे हैं, उनको वो पैकेट दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं डबल करके, हैं। जिनके चालू नहीं है राशन कार्ड उनके लिए फिर उन्होंने क्या किया है? इस बार राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाह रहे हैं आप? नहीं, आप ये सुनिए कि आप नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाह रहे हैं आप, कुछ बता पाएंगे आप? नहीं नहीं, एक कमी और सुनिए कि जैसे कि उन्होंने अभी बिजली में है ना राहत देने की बात करी, लेकिन वो पैसे तो उन्होंने पहले ही बढ़ा दिए। इस बार राजस्थान में सरकार किसकी आ रही है, कुछ बता पाएंगे आप? बीजेपी की। कांग्रेस की क्यों नहीं? बीजेपी की चाहते हम तो। तो कांग्रेस ने तो साथ गारंटी वगैरह बहुत कुछ दी, आपके जहन में कौन कौन से मुद्दों को लेकर कांग्रेस के प्रति आक्रोश है? नहीं नहीं, कुछ भी आक्रोश नहीं है, मगर बीजेपी का सब समर्थन करते हैं। तो मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? बालकनाथ। क्यों? वसुंधरा राजे सिंधिया को क्यों नहीं? वसुंधरा राजे भी है, मगर उसमें क्या है कि वो विधायक ज़्यादा है उसके पास, तो उनको भी पीछे नहीं हटा सकते। बाकी इस टाइम बालकनाथ का ज़्यादा प्रचार चल रहा है। तो इस बार आपको क्या लगता है राजस्थान में सरकार किसकी आ रही है? बीजेपी की आनी चाहिए और आ भी रही है मेरे हिसाब से। तो कितनी सीटों पर आ रही है? अब ये तो आइडिया नहीं है, बाकी आ रही है फुल बहुत मुझसे आ रही है। तो हमारे साथ कुछ साथी और भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि राजस्थान में किसकी सरकार आ रही है इस बार? आ रही है तो वो देख रही है, बराबर की टक्कर है वैसे, लेकिन बीजेपी की आ रही है। बीजेपी की आ रही, तो मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाह रहे हैं? बाबा बालकनाथ जी के। क्यों? वसुंधरा राजे सिंधिया, ये दिया कुमारी और क्यों है? लेकिन बाबा बालकनाथ का पूरा प्रचार चल रहा है कि भाई वही आएंगे। तो हमारे साथ कुछ और भी मौजूद, हम उनसे भी जानेंगे। इस बार राजस्थान में सरकार किसकी आ रही है? सर, राजस्थान में सरकार बीजेपी आ रही है। क्यों? कांग्रेस की क्यों नहीं? अब देखो, है कई बातें, क्या बताएं आपको। तो भी कांग्रेस तो साथ गारंटी वगैरह खूब लेके आई है, और आने वाला 3 तारीख को रिजल्ट, 3 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, जो होगा सामने आ जाएगा, हमारे आपके बोलने से क्या होगा। तो आप एक मोटा अनुमान 3 तारीख से पहले कुछ लगाना चाहें तो कितनी सीटों पर बीजेपी राजस्थान में आ रही है? ये नहीं, बाकी जीत पक्की है। तो आप इस क्षेत्र में हैं, हवा महल का रुख कुछ बता सकते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है? बीजेपी की तरफ है, बाल मुकुंदाचार्य की तरफ। बाल मुकुंदाचार्य की तरफ। तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस बार हवा महल की हवा का रुख कुछ बता सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ है या बीजेपी या किसी तीसरे मोर्चे की तरफ है? कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ। तो इस बार राजस्थान में सरकार किस या कांग्रेस रिपीट हो रही है? बिल्कुल रिपीट हो रही है, वापस आई कांग्रेस ही आएगी। यदि कांग्रेस सरकार आती है तो मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? ये बनेंगे गहलोत साहब। क्यों? सचिन पायलट क्यों नहीं? वो तो एक युवा हैं। ये भी हो सकती है, वो भी बन जाए बेचारे, बनना चाहिए उनको भी। तो अभी तो आप कह रहे थे कि गहलोत जी बने, वो बने, कुछ स्पष्ट बताइए ना कि आप ये आदमी है ना, अलग अलग तो है नहीं। अच्छा, दोनों को साथ में ही देखना चाहेंगे आप कोई अच्छी पोस्ट पे? साथ योजना लेके आए साहब। तो ये थे कुछ हमारे साथ मौजूद कामगारों के विचार, हम और भी जानने की कोशिश करेंगे यहाँ हवा महल के क्षेत्र में। हमारे साथ कुछ और युवा साथीगण मौजूद हैं यहाँ पर, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार हवा का रुख किस तरफ है, सत्ता की लहर किस तरफ चल रही है जी। इस बार राजस्थान में सरकार किसकी आ रही है? अब ये तो ठाकुर जी का दरबार है, ठाकुर जी जाने। तो अभी कुछ मोटा आइडिया लगा पाएं तो 50-50 है। 50-50 है जी। यदि बीजेपी आती है तो मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? ये तो पार्टी का आलाकमान तय करेंगे साहब। या इस बार राजस्थान में सरकार किसकी आ रही है? सरकार तो भैया किसी की भी आई, ठाकुर जी का आशीर्वाद हम सब पे होना चाहिए जी। तो भी आप तो मोटा अनुमान लगा चाहिए बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस है। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? वही अपना बाबा सो गहलोत। क्यों? सचिन पायलट को क्यों नहीं? क्योंकि उसका क्योंकि जवाब नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत अच्छा काम कर रहा है जनता के लिए। इस बार राजस्थान में सरकार किसकी आ रही है? कांग्रेस की आनी चाहिए। क्यों? बीजेपी की क्यों नहीं? कांग्रेस ने काम अच्छा किया है इसलिए। बीजेपी में ने भी तो काम अच्छे किए हैं, बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा लेके आ रही है। बीजेपी ने कहाँ अच्छे काम किए?
कांग्रेस ने जो किए जो बीजेपी ने कभी नहीं किए। मुख्यमंत्री के रूप में कैसे देखना चाहेंगे? अशोक गहलोत जी को। क्यों अशोक गहलोत? सचिन पायलट जी को क्यों नहीं? अशोक गहलोत जी ने काम भी ऐसे किए कुछ देखने लायक। हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, हम उनसे इस बार राजस्थान में सरकार किसकी आ रही है? अपने आएंगे, ये मुकुंद जी है ना, वो आचार्य महाराज जी हमारे आचार्य, उनकी आएगी सरकार और आएगी, एकदम आएगी जो। तो वो तो बीजेपी के हैं, तो राजस्थान बीजेपी की सरकार आ रही है, तो आप कुछ बता पाएंगे कि इस बार मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री भी तो वो उनको मालूम है किसको बिठाएंगे, जो जिसको बिठाएंगे वो तो उनकी। आपकी इच्छा पूछी जाए और आपका कुछ विचार हो तो कुछ रख पाएंगे? नहीं, हम उनको ये मालूम नहीं, हमारे हवा महल क्षेत्र से। मुख्यमंत्री के रूप में हम बाबा बालकनाथ को देखना चाहेंगे साहब। तो वसुंधरा राजे सिंधिया या दिया कुमारी को क्यों नहीं? को मुख्यमंत्री दो बार बन चुकी है, बाबा बालकनाथ का भी नंबर आना चाहिए। हिंदुत्व को प्रबल मजबूत बनाने के लिए, प्रदेश को हिंदुत्व के लिए मजबूत बनाने के लिए बाबा बालकनाथ बहुत जरूरी है। क्यों इस बार तो दिया कुमारी जैसे युवा चेहरे भी सामने हैं, राज्यवर्धन जी हैं, बीजेपी में तो बहुत से चेहरे हैं, तो बालकनाथ ही क्यों? योगी की भूमिका को देखते हुए, योगी के ही शिष्य, योगी के ही मठ से संबंध है, तो हम बालक क्या आपको भी यूपी के योगी आदित्यनाथ जी जैसा कुछ राजस्थान में भी चाहिए? सिविल लाइन शेर से गोपाल लाल शर्मा की विजय हो, यही हमारी हार्दिक कामना है जी। हवा महल की इस विधानसभा की बात की जाए तो इस तरफ, इस विधानसभा में बीजेपी की तरफ या कांग्रेस की तरफ हवा का रुख किस तरफ है? बीजेपी का धर्म की जय। हमारे साथ कुछ महिला शक्ति भी मौजूद हैं, कुछ हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस बार राजस्थान में हवा का रुख किस तरफ है? हिंदू ही जीतेंगे। तो हिंदू आप मुख्य महिला हैं, तो कि मुख्यमंत्री के रूप में क्या एक महिला को देखना चाहेंगी आप? यस बिल्कुल डेफिनेट। किसे देखना चाहेंगी? जो भी महिला है वही है। या दिया कुमारी जी या वसुंधरा राजे सिंधिया जी, किसे देखना चाहेंगे? दिया जी होना चाहिए। हाँ। वसुंधरा राजे क्यों नहीं? बोले वसुंधरा राजे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दोनों ही आपकी पसंद है। महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आधी आबादी आपकी है, इस बार तो राजस्थान में वोट परसेंट भी बढ़ा है, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? पूरी हिंदुओं की है, आधी आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं की बात, महिला शक्ति के रूप में आप मुख्यमंत्री के रूप में प्रबल दावेदार भी हैं दोनों ही पार्टियों में, तो आप किसे देखना चाहेंगे? वसुंधरा राजे। तो ये थे कुछ स्थानीय निवासियों के विचार, हम और भी जानने की कोशिश करेंगे अलग अलग जगह जाकर। तो अब हमारे साथ कुछ मातृ शक्ति भी मौजूद हैं, हम इन्हीं से भी जानना चाहेंगे इस बार हेलो आंटी जी, इस बार राजस्थान में आधी आबादी ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया है, जो लगभग 88 सीटों पर मतदान प्रतिशत महिलाओं का ज्यादा रहा है, तो इसे आप किस तरीके से देखती हैं और राजस्थान में सरकार किसकी आ रही है? महिला भी अच्छा काम करती है, ये थोड़ी कि महिला खराब करती है, पर जब से बच्चों की सुरक्षा तो होनी चाहिए ना, लड़कियों की, तो कोई भी आओ चाहे जनता हो चाहे कांग्रेस हो, जब बच्चों की सेफ्टी नहीं है तो क्या सरकार खुश हो? हमें तो बच्चों की सेफ्टी चाहिए, कोई की बच्चे हो जिनको रेप करके मार रहे हैं, जला रहे हैं। तो आपके लिए महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था, आप राजस्थान में सरकार किसकी चाहते हैं? भाई जो काम अच्छा करे, पार्टी तो दोनों ही काम अच्छा कर रही है, बीजेपी कांग्रेस, आप किसे देखना चाहेंगे? अब ये तो ठाकुर जी वो करने वाले, तो कुछ आप बता पाएंगे महिला शक्ति के रूप में कि महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे आप? जो अच्छा काम करेंगे वही सही अपने लिए, तो अच्छा काम चाहे वसुंधरा राजे हो चाहे नया कोई मुख्यमंत्री हो, तो आप पर्टिकुलरली देखना किसे चाहेंगे? अपन तो लेडीज चाहिए तो लेडीज को, जेंट्स चाहिए तो जेंट्स को, किसी को भी देखना। आप एक महिला शक्ति है, आधी आबादी आपकी है, महिलाओं की है, तो आप किसे महिला आप चाहेंगी कि महिला मुख्यमंत्री हो? बड़न महिला बढ़ सकती है, अच्छा ना महिला बढ़े तो और भी महिला ही चलेगी। तो आप भी चाहते हैं कि महिला मुखिया हो राजस्थान की? वो है, जरूरी है, चलना चाहिए, उसकी चलेगी जब भी महिला की होगी, जब महिला ही चलेगी, और महिला की नहीं चलेगी तो महिला नहीं। तो कुछ आप बता पाएंगे कि इस बार राजस्थान में सरकार बीजेपी की आ रही है या कांग्रेस? बीजेपी की आएगी साहब, बीजेपी की। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? मंत्री तो कोई भी आ सकती है, वो तो उनके ऊपर डिसेंट, उनके ऊपर बता पाएंगे आप? लेकिन हम तो बता ये पा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री भी लेडीज ही हो। अच्छा, मुख्यमंत्री भी लेडीज ही हो।
तो लेडीज के रूप में वसुंधरा राजे सिंधिया कुछ या फिर दिया कुमारी या कोई और? दिया कुमारी क्या हो, आपका चेंज करो, आपके आपके दिया कुमारी आओ हो। वसुंधरा राजे क्यों नहीं? वसुंधरा भी आ जाए वो कोई बात नहीं, लेकिन नया चेहरा तो आना चाहिए ना भाई, वो आए नहीं, नया चेहरा भी तो आना चाहिए। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार इनके चुनाव में क्या क्या मुद्दे रहे हैं स्टूडेंट खास करके युवा शक्तियों के। तो इस बार कुछ आप बता पाएंगे कि राजस्थान में सरकार किसकी आ रही है? बीजेपी की आएगी। तो मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहेंगी? मोदी को ही, मोदी जी को ही। मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं। तो अच्छा, उसमें राजस्थान में आप मुखिया के रूप में किसे देखना चाहेंगे? एक्चुअली ना हम खुद 18 प्लस के हुए नहीं है, तो हमें वोट वगैरह दिए नहीं है इसलिए। तो आपने वोट तो नहीं दिए, लेकिन आपकी चॉइस तो होगी ना कि एक महिला के रूप में आप भी कहीं ना कहीं ये सोचती हैं कि राजस्थान की महिला मुखिया हो, तो उसमें आप किस तरीके से देखते हैं, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, दिया कुमारी हो, बहुत से दोनों ही पार्टियों में नेता हैं, तो आप किसे देखते हैं? दिया कुमारी को ही। वसुंधरा राजे सिंधिया क्यों नहीं? कमी तो किसी में नहीं होती, पर चॉइस के तौर पे दिया कुमारी को पहले प्रायोरिटी दिया कुमारी को देंगे। देखिए कि ये थे कुछ युवाओं के विचार, और भी हम जानने की कोशिश करेंगे अलग अलग जगह जाकर। हम यहाँ सिटी पैलेस के चांदनी चौक ग्राउंड में पहुँचे हैं, तो यहाँ भी कुछ साथी मिले हैं, इन्हीं से भी जानना चाहेंगे कि इस बार हवा का रुख, सत्ता की हवा का रुख किस तरफ है, इस बार राजस्थान में सरकार किसकी आ रही? अशोक गहलोत जी। क्यों, बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी इसलिए नहीं क्योंकि उस टाइम पे और अभी के टाइम पे रात दिन का अंतर है, हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाने का कारण है बीजेपी सरकार का जातिवाद मुद्दा। और हमारे लिए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बहुत सा काम किया है, जैसे तो कि युवाओं को लेकर भी आप सोचते हैं, तो मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे देखना चाहेंगे इस बार? सॉरी, मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? अशोक गहलोत जी को। क्यों, सचिन पायलट क्यों नहीं? वो तो एक युवा भी हैं। सर, सचिन पायलट जी है, मानते हैं युवा है, युवा लोगों की धड़कन है, बस यही है कारण कि उन्होंने जातिवाद और अभी नॉलेज कम है उनके पास, एक नॉलेज कम है। तो ये अभी आप ही के साथ ही बता रहे हैं कि पायलट साहब के पास नॉलेज कम है, तो इस बार आप राजस्थान में किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? बीजेपी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं हम। क्यों, सचिन पायलट क्यों नहीं? सचिन पायलट भी है हमारे लिए, मान लो सचिन पायलट जब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है तब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहना चाहिए, सचिन पायलट उनके बाद का नाम आता है। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ कुछ और साथी भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। तो सर, इस बार राजस्थान में सरकार किसकी देखना चाह रहे हैं आप? बीजेपी। बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री देखो सर, बीजेपी हाईकमान किसको बनाता है? तो भी एक पर्टिकुलर यदि आपकी चॉइस पूछा जाए तो आप किसे प्रेफर? राठौड़ भी है, बालकनाथ भी है, वसुंधरा बन जाए तो हमारे को दिक्कत नहीं है, वो प्रिंसेस बन जाए तो भी हमारे को दिक्कत नहीं है, बीजेपी का चेहरा कोई भी हो, सरकार बीजेपी की आनी चाहिए सरकार। तो हमारे साथ कुछ और साथीगण भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे इस बार राजस्थान में सरकार किसकी आ रही है? वो तो बीजेपी की आ रही है भाई साहब, बीजेपी की। तो मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री अपन को तो गाला कमान पेश करेगा ना, वो मुख्यमंत्री जी चाहे कोई भी हो, हमारे लिए सब समान है। मतलब पर्टिकुलरली आपके पसंद नहीं? काफ़ी लोगों का यहाँ पे कहना है कि हमें यूपी जैसा ही कुछ बाबा चाहिए यहाँ पे। बाबा भी दे दो, दिया कुमारी जी दे दो, हमारे लिए बेस्ट है, सब जगह काम होगा, विकास होगा, मतलब विकास को वोट दे। इस बार आप बोल रहे हो बीजेपी, तो कांग्रेस क्यों नहीं सत्ता में? कांग्रेस कोई काम नहीं करवाया, नहीं अत्याचार किया सब जगह, अत्याचार। ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने अत्याचार किया, तो बीजेपी, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आ रही है, तो बीजेपी क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं इस बार? राष्ट्रीय हित में मतदान किया इस बार हमने, राष्ट्रीय हित में मतदान किया है, तो क्या कांग्रेस के साथ में राष्ट्रीय हित नहीं है? नहीं, वो पार्शलिटी करते हैं हर जगह, कई जगह हमने देखा है, जैसे उदयपुर में जो कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ था, उसके बाद अपने रामगंज में जो हुआ था भाई, एक जगह तो हैंड टू हैंड उन्होंने पैसा दे दिया, मुआवजा दे दिया, एक जगह आज तक सजा नहीं मिली किसी को। तो आज अपन देखिए, बिजली है, पेट्रोल है, कुछ भी है, राजस्थान में सबसे महंगा है क्योंकि वेट इन्होंने सबसे ज़्यादा लगा रखा है, बिजली के नाम पर उद्योगों को बिजली नहीं है, घरों में बिजली नहीं है, हर जगह कटौती है, तो फ्री देने का फ़ायदा क्या? फ्री दो आप शिक्षा, फ्री दो आप, आपको देना मेडिकल्स फ्री दो, ये सब फ्री होनी चाहिए भाई, कोई चीज़ मुआवजा फ्री नहीं मिलना चाहिए। तो सरकार के हित में हमने दिया है, तो बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ इस पर बन रही है 100%। तो ये थे हमारे साथ
अलग अलग लोगों के विचार, जो जिन्होंने अपने अलग अलग विचार और मत रखे कि सत्ता किसकी आई किसकी नहीं, ये तो 3 दिसंबर को ही तय होगा कि इस बार सत्ता पर कौन काबिज होता है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, ये 3 तारीख को ही स्पष्ट पता चल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश भाटी के साथ अजय सिंह, भारत एक्सप्रेस, जयपुर।